पहले अपनी तारीफों में उड़ाया मजाक. Anybody can match up to the Khans or the Bachchans. They will always be missed in any award function anywhere in the world. But yeah, it's a lot of responsibility, and we're excited, and we're hoping that we'll be able to put a fun night together. All the young people. आईफा में शाहरुख खान को उनकी उम्र की याद दिलाने के बाद इस बार शाहिद ने बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक हीरो शाहरुख खान के लव गुरु होने पर भी उठाया सवाल. ये कहानी है प्यार मोहब्बत इश्क की है, तो आपको नहीं लगता कि इस फिल्म को पहले आपको इस लव गुरु को दिखानी चाहिए? कौन लव गुरु? अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी शाहरुख खान की झलक दिखाने वाले शाहिद को SRK का नाम तक एक बार में सुनाई नहीं देता. ये कहानी है प्यार मोहब्बत इश्क की है, तो आपको नहीं लगता कि इस फिल्म को पहले आपको इस लव गुरु को दिखानी चाहिए, जो कि बॉलीवुड के शाहरुख खान है? कौन लव गुरु? इसके बावजूद और एक बार नाम सुनने के बाद शाहिद इरिटेशन में अपनी ही फिल्म का नेगेटिव प्रमोशन कर बैठे. कैसे? हियर हिम आउट. कौन लव गुरु? शाहरुख खान. ये आपने डिसाइड कर लिया कि वो लव गुरु है? उनके लिए आपने चॉइस ही नहीं छोड़ी? अच्छा, आपकी तरफ आपको लगता है उनके पास और कुछ काम नहीं है? तो क्या ये फिल्म ऐसे लोगों के लिए है शाहिद जिनके पास कोई काम ना हो? इस इंडस्ट्री में तो एक्टर्स अपने फ्रेंड्स और सेलेब्स को बुला बुला कर पर्सनल स्क्रीनिंग रखवा कर फिल्म दिखाते हैं. और एक आप हैं जो कह रहे हैं कि क्या शाहरुख खान के पास और कोई काम नहीं है आपकी फिल्म देखने के अलावा? आपको लगता है उनके पास और कुछ काम नहीं है? वेल शाहिद, शाहरुख नहीं, यही बता दीजिए कि फिर आपका लव गुरु है कौन? मेरे हिसाब से तो कुणाल कोहली है लव गुरु, बिकॉज जो उन्होंने शायरी लिखी है बड़ी बदतमीज और बेशरम टाइप की, तो वही मेरे लिए लव गुरु है. उनसे ही मैंने शायरी सीखी है और उनके ही नक्शे कदम पर मैं इस फिल्म के अंदर चला हूँ. SRK से सीधा कुणाल कोहली पर आ गए शाहिद. नो वंडर आपका मौसम आजकल बिगड़ा हुआ सा है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई. Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.